डीसी, गेम ऑफ थ्रोन्स और हनी सिंह, पता है तीनों में कॉमन क्या है? एक टाइम था जब तीनों अपने डिफरेंट कंटेंट के चलते मार्केट को रूल किया करते थे। ऑल्दो इनके राइवल्स तो बहुत थे, पर इनकी अपनी ही अलग पहचान हुआ करती थी। मगर आज का टाइम है, तीनों की पॉपुलैरिटी टाइम के साथ गिरती चली गई, और जिसके पीछे तीनों की अपनी अपनी कोई वजह है। योयो पाजी का व्यक्तिगत मामला है तो उस पे टिप्पणी करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, लेकिन बाकी दो तो नॉन लिविंग पीसेस ऑफ आर्ट हैं जिन पे खुल के डिबेट की जा सकती है। दोनों की बर्बादी कुछ कुछ सेम ही लगती है, किसी और का काम किसी दूसरे ने किया और अल्टीमेटली पूरी फ्रेंचाइज की गांड मार के रख दी। डीसी का तो अपना ही रंडी रोना है, उस पर तो मैं खुद एक किताब लिख रहा हूँ। और किताब की बात करें तो पुराने जख्मों को खुरीदने के लिए एचबीओ गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया से एक नया शो लेके आ चुका है, हाउस ऑफ द ड्रैगन्स, जो जॉर्ज आर आर मार्टिन की अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर नॉवेल सीरीज की प्रीक्वल नॉवेल फायर एंड ब्लड पर बेस्ड है। तो जो हमने गेम ऑफ थ्रोन्स के 5 सीजन देखे थे वो इसी नॉवेल अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर पे बेस्ड थे, जिसके बाद की स्टोरी सोर्स मटेरियल न होने की वजह से शो रनर्स ने खुद से ही कंटिन्यू की थी इस छाती पीटने वाले फिनाले तक, और जिसमें ओरिजिनल राइटर का दूर दूर तक कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। पर उन्होंने आगे की नॉवेल्स निकालने में हो रहे सालों से डिलेज के बीच फायर एंड ब्लड नॉवेल निकाली थी 2018 में, जो पूरी गेम ऑफ थ्रोन्स की स्टोरी के 300 साल पहले सेटअप है। इसकी शॉर्ट में समरी दिए देता हूँ। गेम ऑफ थ्रोन्स जिस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है उसका यह मैप है, और टारगेरियंस वैलेरिया से बिलोंग करते थे। एक बार जब डेरिस टारगेरियन को सपना आता है कि वैलेरिया के नीचे जितने भी वोल्केनोज हैं वो इरप्ट होंगे 12 साल बाद, तो पूरी टारगेरियन फैमिली वहां से बोरिया बिस्तर समेट कर वेस्टेरोस के एक आइलैंड ड्रैगनस्टोन पे आ जाती है, वहीं जहां पहली बार डेनेरिस टारगेरियन अपने चेले चपाटों और पूरी अनसलीड आर्मी के साथ लैंड की थी। और फिर उस आइलैंड पे एगोन टारगेरियन की बर्थ होती है, जो वेस्टेरोस के जितने भी किंगडम्स थे जो आपस में ही लड़ा करते थे उन्हें अपने ड्रैगन्स के दम पर कॉन्कर करके एक करता है और खुद को फर्स्ट किंग ऑफ आयरन थ्रोन डिक्लेयर करता है, इसीलिए उसको एगोन द कॉन्करर बुलाया जाता है। हालांकि इनिशियली 5 किंगडम्स ही कॉन्कर हो पाए थे, धीरे धीरे बाकी किंगडम्स भी एड होते गए। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज इन इवेंट्स के लगभग 150 साल बाद सेटअप है, जब टारगेरियंस अपने सबसे पावरफुल स्टेज में थे, और ये टाइमलाइन एसी और बीसी में डिवाइडेड है, जैसे अपने यहाँ भी होती है। बस बीसी का मतलब है बिफोर एगोन्स कॉन्क्वेस्ट और एसी का मतलब है आफ्टर कॉन्क्वेस्ट। इसका नाम हाउस ऑफ द ड्रैगन्स इसीलिए है क्योंकि टारगेरियंस के हाउस जो कि ड्रैगन्स को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हीं के अराउंड बेस्ड है। सीरीज की स्टोरी मेनली फोकस करेगी टारगेरियंस के सिविल वॉर पे कि गद्दी पे आखिर राज कौन करेगा, लेकिन इसमें व्हाइट वॉकर्स और आर्मी ऑफ द डेड ये सब कुछ देखने को मिलेगा, तो अपने दिमाग से यह गलतफहमी निकाल दो। हाँ, शायद सीरीज में उनका जिक्र हो सकता है और शायद नाइट्स वॉच भी देखने को मिल जाए, पर उनकी स्टोरी यहाँ किसी भी वे में नहीं दिखाई जाएगी। इसमें एक टाइप से गेम ऑफ थ्रोन्स में जितनी भी वेस्टेरोस की पॉलिटिक्स वाला ड्रामा था वही कुछ कुछ देखने को मिलेगा, जो गेम ऑफ थ्रोन्स का सिर्फ 40% है। पर एटलीस्ट सीरीज में ड्रैगन्स हैं और बहुत सारे ड्रैगन्स हैं, इसीलिए बाद में डिसअपॉइंटेड होना या ना होना ये सब तुम पे डिपेंड करता है। सीरीज सीजन वाइज बिल्डअप करती जाएगी उस स्टोरी लाइन तक जहाँ से गेम ऑफ थ्रोन्स बिगिन हुआ था, यानी मैड किंग के कारण टारगेरियंस के कम्प्लीट डाउनफॉल से और रॉबर्ट बैराथियन के टेक ओवर से। तो सवाल खड़ा होता है कि जब स्टोरी बैकवर्ड से फॉरवर्ड मूव कर रही है और जिसका एंड सभी को पता ही है, तो इस सीरीज को देखने का फायदा क्या? देखो, ऑडियंस बनो, बनिया मत बनो कि हर चीज में फायदा या नुकसान ढूंढोगे। बस इसे गेम ऑफ थ्रोन्स का चश्मा पहन के मत देखना कि वही सब माल मिलेगा। गेम ऑफ थ्रोन्स के न जाने कितने ही स्पिन ऑफ्स डेवलपमेंट स्टेज में आ करके कैंसिल हो चुके हैं, ऐसे में यह सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। मैंने ऑलरेडी फायर एंड ब्लड की स्टोरी पढ़ रखी थी, इसीलिए मुझे इसकी स्टोरी पता है, और मैं यह देखना चाहूंगा कि ये लोग इसे स्क्रीन पे कितने अच्छे से अडैप्ट कर पाते हैं। सीरीज की कास्ट तो जबरदस्त लग रही है। पैडी कॉन्सिडाइन किंग वेसेरिस फर्स्ट टारगेरियन का रोल प्ले करेंगे, MRDRC प्रिंसेस रेनायरा टारगेरियन और मिली एलकॉक यंग प्रिंसेस रेनायरा टारगेरियन का रोल प्ले करेंगी। मैट स्मिथ यानी अपने लॉर्ड मॉर्बियस के जिगरी दुश्मन प्रिंसेस डेमोन टारगेरियन के रोल में नजर आएंगे। राइस आइफन्स ऑटो हाईटावर और हैंड ऑफ द किंग होंगे। ओलिविया कुक होंगी लेडी एलिशियंट हाईटावर। स्टीव टूशेंट होंगे लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन। और इन सभी के अलावा एक लंबी चौड़ी कास्ट है छोटे मगर मेजर कैरेक्टर्स की, जो स्टार्क्स बैराथियंस और लैनिस्टर्स जैसी सिग्निफिकेंट पोजीशंस को फिल करेंगे। जहां HBO Max अवेलेबल है वहां ये सीरीज 21 अगस्त यानी कल और स्पेशली इंडिया में परसों डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे स्ट्रीम होना स्टार्ट हो जाएगी, तो मस्त से एंजॉय करो, स्पॉयलर से बच के रहो, और सीरीज कितनी अच्छी होगी या बेकार वो इसके खत्म होने के बाद डिटेल में किसी वीडियो में कवर करेंगे। बाकी तुम कितने एक्साइटेड हो इस सीरीज के लिए कमेंट्स में बताना। तब तक के लिए टाटा।